नमस्कार साथियों, वंदे को मातरम। आज राष्ट्रीय गौरक्षा दल के जिलाध्यक्ष श्री दीपक जी के नेतृत्व में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन गुप्ता जी और हमारे भाई जी और हमारे वित्त मंत्री अतुल दस्तोगी जी और हमारे जिलाध्यक्ष सीधे गए या पीछे कहीं रुक गए? मुड़े सीधे सीधे। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं तुर्की खेड़ा ग्राम की गौशाला। अभी हम लोग आए हैं तुर्की खेड़ा की गौशाला का भ्रमण करने। यहाँ पर कम से कम गांव वालों के बताने के अनुसार 300-400 बीघे जमीन है गौशाला में चारागाह की, जो कि बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है। अगर सरकार चाहे और अधिकारी सेंसिटिव हों, गांव वाले सेंसिटिव हों, तो यहां पर हजारों गाय रखी जा सकती हैं, उनके लिए चारा भी उगाया जा सकता है, परंतु करने को कोई तैयार नहीं है। बहुत भयानक स्थिति है। मुख्यमंत्री जी, अगर आप इसको देख रहे हो तो देखिए, आप जो पैसा दे रहे हैं उसकी कैसे बर्बादी हो रही है। गाय खेतों में घूम रही है, रोड पे घूम रही है, गौशाला पड़ी है खाली। क्या करते हो आप यहाँ गौशाला में? गौशाला में यहाँ गाय ना चारा खवा तो बांधर। चौकीदार हो आप यहाँ पे? आप चौकीदार हो? चौकीदार ना भाई, खवा पिया। नौकरी तो कर रहे हो गौशाला में? तनख्वाह तो मिल रही गौशाला से? हाँ। ये बताइएगा कितनी गाय है गौशाला में? आठ। आठ गाय है। अच्छा, जो गाय खत्म हो जाती है उनको क्या करते हो आप लोग? वो भाई है ना, बाबू जी डालते हैं। कहाँ डालते हो? अभी जो परसों गाय खत्म हुई उसका कहाँ फेंका आपने? तो गाय परसों कहाँ पे पड़ी थी? आप दिखाओ चलिए, मैं सर दिखाओ चलिए, दिखाओ चलिए, दिखाओ दिखाओ चलिए, दिखाओ चलिए, दिखाओ चलिए, गाय दिखाओ चलिए, कहाँ पड़ी? आप गाय दिखाओ, गाय दिखाओ चलिए, आओ गाय पड़ी है, आप दिखाओ दिखाओ। तो अब बस तंदुरुस्त हो गई है। नहीं, तुम कह रहे जान बचाई, कैसे जान बचाई तुमने गाय की? वो उठते मैं, उसको कमजोरी होती थी, उठ नहीं पाती थी, हम लोग पूंछ पकड़ के उठा देते थे। हमने प्रधान से पूछा, प्रधान थे लड़के से, हमने कही ये गाय हमको दे दो, हमने कही ले जाओ, फिर हम खोल ले गए, हो गए एक महीना। अब्बा गाय आराम से उठती और चारा। अच्छा बेटा, सच बताना तुम लोग की यहाँ गौशाला में गायों को चारा पानी मिलता है नहीं मिलता? एक किलो घूटा बस पहले तनिक सी इतनी सी। बाबू जी देखो, पहले दो तीन महीना बाद तब गीत गाय थे और फिर जय लोग लगे, इन्हें ठंड में पानी गड्ढा का भी आया। 30 गाय थी बेटा, इस समय 7 हैं, बाकी सब मर गई। मर गई हाँ? हाँ, और पहले बांट भी दी थी, गौशाला बनवा देते हैं। हाँ? चार चार में। हाँ? और एक माँ और इतनी रह गई, अब यहाँ 7 ही बची खाली। हाँ? बरसीम का नाम है। 40-50 खाली इतनी। भाइयों, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं और देखिए ये सच्चाई बता रहे हैं। मतलब कुत्ते तोड़ डालते हैं? कुत्ते ऐसे जो चले जाते हैं यहाँ से हैं। चौकीदार नहीं रहता? जब चौकीदार नहीं रहता है। हाँ। तभी कुत्ता आके गई उनको तोड़ डालता है, मतलब मार देते हैं, मार देते खा जाते हैं, खा जाते हैं, कम से कम बहुत 6-7 गायों को मार चुके हैं। अच्छा, कौन सा गांव है बेटा तुम्हारा? गांव का नाम बताओ। तुर्की खेड़ा। भाइयों, ये तुर्की खेड़ा ग्राम की दुर्दशा ये बच्चे बयां कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, और भैया तुम बता रहे थे पानी नहीं पिलाने देता कौन? नहीं, पानी प्रधान नहीं पिलाने देते हैं। किन्हें? हम लोग अगर दोपहरिया में गेंद खेलने आते हैं तो पानी पियाते देख लेते हैं तो हल्ला करते हैं। किसे? हमें लोगों को नहीं, किसे पानी पिलाते हो?